नमस्कार, हनुमानगढ़ राजस्थान से मैं आनंद जैन आप सभी का श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर इस हिंदी लर्निंग वीडियो क्लास में जुड़ने पर स्वागत करता हूं। आज हमारी फिजिक्स विषय की प्लेलिस्ट में ऑप्टिक्स विषय में समझेंगे गोलीय सतह से परावर्तन के बारे में और जानेंगे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब छवि का निर्माण किस तरह से होता है और इन दर्पणों का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। शुरू करते हैं गोलीय सतह से परावर्तन और गोलीय दर्पणों के उपयोग के बारे में आज की ये लर्निंग वीडियो। अवतल गोलीय दर्पण कॉनकेव मिरर में जो परावर्तक सतह होती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो अंदर की तरफ चित्र अनुसार घुमावदार होता है, वहीं उत्तल दर्पण में कॉनकेव मिरर में यही परावर्तक सतह रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ जैसे यहाँ चित्र में दिखाया गया घुमावदार होता है और जब मुख्य अक्ष से समांतर अनंत से आने वाली आपतित किरणें किसी अवतल दर्पण पर गिरती है तो वो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस पे एकत्र हो जाती है, अभिसरित हो जाती है, कन्वर्जेंट हो जाती है। तो हम कहते हैं कि कॉनकेव मिरर या अवतल दर्पण एक कन्वर्जिंग मिरर है, अभिसरित करने वाला मिरर है। वहीं उत्तल दर्पण में यही किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई अलग अलग दिशाओं में बिखर जाती है, डाइवर्ज हो जाती है। तो हम कहते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण एक डाइवर्जिंग मिरर है। एक उत्तल दर्पण के सामने वस्तु या बिंब कहीं भी रखा हो उसका प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनेगा, वो सीधा बनेगा। जैसी बिंब की वस्तु की आकृति है वैसा ही उसका प्रतिबिंब छवि आएगी और ये छवि आभासी है, इसे किसी पर्दे पे हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और ये जो छवि आती है प्रतिबिंब आता है ये वस्तु से आकार में छोटा होता है। तो दर्पण पे ध्रुव और अनंत के बीच में कहीं भी अगर हम वस्तु को रखते हैं तो अनंत पे रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब तो यहाँ पीछे मुख्य फोकस पर बनेगा और जैसे जैसे वस्तु को ध्रुव की तरफ लाते हैं ये इमेज आकार में हल्की बड़ी होती हुई दर्पण के पीछे ध्रुव के समीप आ जाएगी, लेकिन छवि हमेशा प्रतिबिंब हमेशा सीधा आभासी और छोटे आकार का बनता है। एक अवतल दर्पण के लिए कॉनकेव मिरर के लिए अगर वस्तु को अनंत और फोकस के बीच में कहीं रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के सामने उल्टा और वास्तविक पर्दे पे प्राप्त होने वाला प्राप्त होता है और जब वस्तु अनंत पे होती है तो बिल्कुल शून्य आकार का फोकस बिंदु पे प्रतिबिंब प्राप्त होता है और अगर हम वस्तु को अनंत से वक्रता केंद्र की तरफ लाते हैं तो प्रतिबिंब फोकस से वक्रता केंद्र की तरफ दर्पण से थोड़ा परे होता हुआ हल्का आकार में बड़ा होता है, लेकिन हमेशा वस्तु की स्थिति अगर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है तो प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और आकार में छोटा प्राप्त होता है और अगर वस्तु वक्रता केंद्र पे आ जाती है तो हम पाते हैं कि प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनता है और इस स्थिति में प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार एक समान हो जाता है लेकिन दोनों परस्पर एक दूसरे से उल्टे हैं। और अगर वस्तु वक्रता केंद्र से फोकस के बीच में आ जाती है तो हम पाते हैं कि प्रतिबिंब एक बार फिर वास्तविक उल्टा बनता है, लेकिन इस बार प्रतिबिंब की आकार बिंब के आकार से बड़ा हो जाता है। और अगर हमारी वस्तु फोकस स्थान पर आ जाती है तो हम पाते हैं कि प्रतिबिंब काफी बड़ा और अनंत स्थितियों पर उल्टा और वास्तविक बनने लगेगा। यदि अवतल दर्पण में कॉनकेव मिरर में वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में रखी जावे तो इस बार उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी बनेगा, ऐसे प्रतिबिंब को हम पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते हैं और ये आभासी और सीधा प्रतिबिंब वस्तु के आकार से इनलार्ज बड़े भी स्थितियों का होता है। तो अगर हमें किसी वस्तु को बड़े आकार में देखना है तो वो आभासी रूप में एक अवतल दर्पण में फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु को रखकर प्राप्त किया जा सकता है। सभी प्रकार की परीक्षाओं में गोलीय दर्पणों के उपयोग से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और हम पहले अवतल दर्पण के अगर प्रयोग को समझें तो जो शेविंग बनाने वाला हजामत में इस्तेमाल होने वाला दर्पण है वो एक प्रकार का अवतल दर्पण है और ऐसे अवतल दर्पण में हम वस्तु को दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में रखने के बाद एक सीधा आभासी और आकार में बड़ा प्रतिबिंब दर्पण में प्राप्त करते हैं। इससे हम चेहरे को ज़्यादा बेहतर तरीके से और बड़ी आकृति के साथ जब देखते हैं तो हमें सेविंग करने में मदद मिलती है। तो जो सेविंग में इस्तेमाल होने वाला दर्पण है वो एक तरह का अवतल दर्पण है जो वस्तु को आभासी रूप से सीधा और बड़ी आकृति में देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच में रखा जाता है। कारों और दूसरे वाहनों की हेडलाइट के लिए भी हम दर्पण जो इस्तेमाल करते हैं वो एक तरह का अवतल दर्पण है और ऐसे अवतल दर्पण के सामने फोकस बिंदु पे प्रकाश स्रोत को जब रखा जाता है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात प्रकाश
की किरणें एक शक्तिशाली समांतर किरण पुंज के रूप में, बीम के रूप में हमें प्राप्त हो जाती है। तो कारों से सड़क पर सामने काफ़ी दूर तक रोशनी पैदा करने के लिए हम हेडलाइट्स में अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। दांतों के डॉक्टर, दंत चिकित्सक भी रोगी के दांतों को ज़्यादा बेहतर ढंग से देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ये एक अवतल दर्पण के पोल और फोकस के बीच में दांतों को जब रखते हैं तो पीछे दर्पण के एक आभासी लेकिन बड़े आकार का दृश्य प्राप्त हो जाता है, और जिससे हम दांतों में कोई समस्या है या किसी तरह की केविटी या गुहा है तो उसका पता लगाने में मदद मिलती है और जिससे दांतों का सही इलाज किया जा सकता है। हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग भी वाहनों में, वाहन के पीछे कैसी आवागमन की स्थितियां हैं उसके अवलोकन के लिए रियर व्यू मिरर के बतौर करते हैं, और इस तरह के उत्तल दर्पण कारों, मोटरसाइकिल और दूसरे वाहनों में अपनी इस घुमावदार मुड़ी हुई सतह के कारण पीछे के यातायात का एक सीधा आभासी और छोटे आकार का दृश्य प्रभाव मिरर में पैदा कर देते हैं। इस प्रकार वाहन चालक वाहन के पीछे यातायात की स्थितियों को देखकर किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचाव कर सकता है। और इस तरह के उत्तल दर्पण वाहन में ड्राइवर के साथ यहाँ साइड में भी लगाए जा सकते हैं, और ड्राइवर इन्हें अपने आगे पीछे का दृश्य देखने के लिए भी लगा सकता है। उम्मीद है इस छोटी सी लर्निंग वीडियो से गोलियत दर्पण में किस तरह से परावर्तन होता है, प्रतिबिंब छवि का निर्माण होता है, वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और आप गोलियत दर्पण की व्यवहार में क्या उपयोगिता है इन्हें भी जान गए हैं। हमारी इसी श्रृंखला के दूसरी लर्निंग वीडियो भी इतनी ही परीक्षा उपयोगी हैं। आप इनका अपने अध्ययन के साथ साथ दोस्तों में भी ज्ञान प्राप्ति हेतु साझा कर सकते हैं। अगर आपको चैनल से परीक्षा उपयोगी नोट्स और ऑनलाइन क्लासेस का सपोर्ट चाहिए तो आप चैनल की YouTube मेंबरशिप भी ज्वाइन करें। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच।